रेड ब्लू डार्क ब्लू स्काई ब्लू ऐसा पहनना है, ठीक हो गया। तो जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। एक बार फिर तो स्वागत है राजी ब्लॉग में। फ्रेंड आज के ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं अपने स्कूल से ही, और ये मेरा प्यारा सा स्कूल, खूबसूरत स्कूल जैसी बांसबगड़। तो मैं सोच रहा था आज हम उन बच्चों को जो है ना, जिन बच्चों की भर्ती हुई थी, तो आज उन बच्चों को जो है हम लोग उनको सामान दे देते हैं। और वो सामान जो जैसे कि एंकलेट वगैरह, हैकल वगैरह, बैरेट वगैरह, कैप बैच वगैरह, यानी कि वर्दी जो है टोटली उनको दे देते हैं। तो वो बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे। अभी मैं चलता हूँ अंदर और वो सामान जो आया इनको देना है। और फिर से कल से जो है ना, ये एक अलग यूनिफॉर्म, एक आर्मी और एक अपने एनसीसी में जो अपना एक यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, वो कल आएंगे। देखना कल इनका कैसा गेटअप चेंज हो जाता है। आज अब स्कूल के ड्रेस में आए हैं सब बच्चे। मैं चलता हूँ अपने एनसीसी ऑफिस में जहाँ पर इन बच्चों का सामान आया है। इंकलेट, झालर पट्टा, और जो भी है सूज वगैरह, ये सब सामान इनको देना है। उसके बाद ये बच्चे कल जो है फाइनली ड्रेस में आएंगे और उसमें देखेंगे इनका चेहरा, इनका कैसा लुक बनता है। अभी तैयारी कर रहे हैं सब लोग, कल ये एक यूनिफॉर्म में अलग दिखेंगे। तो कुछ बच्चे हमारे पूरे चहल पहल में लगे पड़े हैं। इनको एक खुशी भी मिल रही है क्योंकि ये पहली बार इस चीज़ को देख रहे हैं, और जब ये पहनेंगे उस चीज़ को और भी खुशी मिलेगी। यही एक खुशी होती है एनसीसी के बच्चों के लिए। अभी ठीक है, रेड ब्लू डार्क ब्लू स्काई ब्लू ऐसा पहनना है, ठीक हो गया। इसको ऐसे लगा करके नहीं आना है, ठीक है। ये लगाओगे तो कैसे इतना गंदा दिख रहा है, वो दिख रहा है ब्लैक कलर में दिख रहा है ना। इसको क्या करना है, जैसे ये आया है, बिल्कुल जैसे ही आया है ना, खुद ही फोल्ड होकर आया है, यहाँ खुद ही लाइन पड़ी है। अब इसको अब पहनना, ठीक है। अब इसको जब पहनेंगे, यहाँ पर पहन लिया, और इसके बाद इसमें भी फिटिंग करानी है, इसकी चिट भी फिटिंग करानी है। और इसके जब लगाने का तरीका क्या है, हमारा जो लेफ्ट लेग जो हाथ है हमारा ना, यहाँ पर 90 का फोल्ड बनेंगे, ठीक है। ऐसे रखेंगे और ऐसे हमारा जो 90 का फोल्ड बनेगा ना, ऐसे करके हाथ के ऊपर बीच में यहाँ लगना चाहिए, ठीक है। तो बढ़िया कैप को लगाने के बाद दो चुटियाँ जो है ना बहुत अजीब दिखती है, वो दिख रही ना कितनी बुरी लग रही है कैप की बैच। इसे क्या करना है, अपने खोपड़ी के हिसाब से बिल्कुल टाइट कर लेना, जहाँ तक तुमको लग रहा है, ठीक है। जहाँ तक लग रहा है वहीं गांठ बांध के, गांठ दो गांठ बांधना, ठीक है। दो गांठ जब बांध देंगे टाइट अपना देख रहा है, ज़्यादा टाइट करोगे तो लाइन बन जाएगी, इतना रखना है आराम से। और जब भी उसमें उठेगी बस केवल इसको झुकाना है, इसको झुकाना है ना, कि पैर को ऐसा करना है, ठीक। लाइन को अपनी जगह लाइन रहेगी वो, बस इसके आपको ढाल देना है, ठीक है। ये देना है, ठीक। लैंड को नीचे नहीं करना है बांध के, जैसे अभी बंधा है ना सेम ऐसे ही बांधना है, एक घूमा दूसरा घूमा तीसरा घूमा तीसरा, और बिल्कुल टाइट खींचा होना चाहिए जब पैर को बंधेगा। तो ये चीज़ें अब हमारे इस बच्चे का बैंड, इधरा क्या हो गया, परेशान ज़्यादा मोटा हो गया तू है, कोई बात नहीं। इसके जो है वो देखते हैं टाइट हो रहा है, बिल्कुल देर तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है यार ये, देखा देखा। तो कोई बात नहीं, इसको लग जाएगा तेरा, ठीक है। इतना कर लेना है, चुपका लेना, ठीक, कोई दिक्कत ना है। वो कहाँ है राजा, सही तो आ रहा है उसका, लास्ट में निशान हाँ अपना आप कर लेगा, ये फिट कर लेगा, ठीक है। चलो मैं चलता हूँ कक्षा 10 के बच्चों के पास, और ये बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो है 15 अगस्त नज़दीक में है, तो इसलिए अभी रिहर्सल कर रहे हैं गाने की। और इनका गाना सुनिए, बहुत ही अच्छी आवाज़ में बच्चे गाना गाएंगे, देखिएगा।